just a sec. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कुमार और आ गया हूं एक और जबरदस्ती वीडियो लेके आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी व्हाट्सएप चैट का लिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास आपका नंबर है या फिर किसी का भी नंबर है, आप उसके चैट का लिंक बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप चैट का, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं तो ये बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सभी के साथ शेयर करना है और चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं किस तरीके से आपको लिंक को क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ओपन करूंगा ओआई नोटपैड में, ठीक है। आप जो है व्हाट्सएप में एडिट बॉक्स में रहकर भी लिंक को क्रिएट कर सकते हो। सिक्योरिटी के चलते मैं जो है व्हाट्सएप की किसी चैट में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मैं ओआई नोटपैड में क्रिएट करूंगा, आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस आप एडिट बॉक्स में होने चाहिए, ठीक है, आप जो है लिंक क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ओआई नोटपैड में करूंगा, ओआई नोटपैड को ओपन करूंगा, ओपन करूंगा ओआई नोटपैड को। मैं यहाँ पे जो है क्रिएट नोट पे क्लिक कर दिया मैंने, क्रिएट करूंगा एक नया नोट, ठीक है। लिंक क्रिएट करूंगा, किस तरीके से करना है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगली वीडियो में, मैं या फिर उससे अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको टेलीग्राम का लिंक को क्रिएट करना है, ठीक है। सभी जो लिंक है व्हाट्सएप के वो इसी तरीके से क्रिएट होंगे, ठीक है, भले ही कोई नंबर हो आपके पास, ठीक है, भले पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, श्रीलंका का हो, इंग्लैंड का हो, कोई भी नंबर हो, सबका इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कीबोर्ड को ओपन करना है कोई भी एडिट बॉक्स में रहते हुए, ठीक है। मैं ओपन करूंगा कीबोर्ड को, अब मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा लिंक्स के अंदर कि शुरुआत में लिखा रहता है https, ठीक है, तो हमें भी यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे https, सब कुछ स्मॉल रहेगा, कोई कैपिटल नहीं होगा यहाँ पे, तो सब कुछ स्मॉल ही आपको लिखना है, ठीक है। तो H लिखूंगा, ठीक है, हमें करेक्टर भी बताता जाएगा कितने हमने लिख लिए हैं, ठीक है। मैंने H लिख दिया, अब T यानी डबल T लिखूंगा, ठीक है। तो HTT मैंने लिख दिया है, अब PS लिखना पड़ेगा, ठीक है, HTTPS 9 0 I O P P 4, ठीक है। P भी मैंने लिख दिया, अब लिखेंगे S, S लिखूंगा, S 5 0 S, अब मैंने लिख दिया HTTPS, देखो HTTPS window 5 0, ठीक है। तो HTTPS मैंने लिख दिया है, अब आपने आगे क्या डालना है, एक कोलन का साइन डालना है, ठीक है। कोलन का साइन आपको कहाँ मिलेगा सिंबल्स के अंदर वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंबल्स वाला कीबोर्ड ओपन करना है, Shift, simple keyboard. Showing simple keyboard. More features. अब यहाँ पे जो है आपको जो स्पेस के ऊपर थोड़ा फिंगर रखनी है, कोलन, कोलन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किसके राइट में और किसके लेफ्ट में है ये, अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी के राइट में है, सेमीकोलन, सेमीकोलन के लेफ्ट साइड में, यानी दोनों के बीच में है, कोलन, कोलन का साइन आपको डालना पड़ेगा, https कोलन, https, कोलन। अब देखो एडिट बॉक्स में आ भी गया है, https विंडोज 6.0, ठीक है। तो 6 कैरेक्टर अभी तक हमने डाल दिए हैं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, दो बार स्लैश का जो साइन होता है वो डालना है, मैं डाल देता हूँ, सिंबल्स कीबोर्ड में ही आपको मिलेगा, ठीक है। राइट पैरेंथेसिस फॉरवर्ड स्लैश, राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस के राइट साइड आपको मिलेगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश का साइन, तो इस पे मैं दो बार डालूंगा, स्लैश, स्लैश एक बार डाल दिया, फॉरवर्ड स्लैश दोबारा डालूंगा, स्लैश, एक बार डाल, फॉरवर्ड स्लैश। अब देखो एडिट बॉक्स में क्या आ गया, https स्लैश स्लैश विंडो 8.0, ठीक है, स्लैश स्लैश तक हमने डाल दिया है। अब 8 कैरेक्टर हमने डाल दिए हैं टोटल, अब आपको क्या करना है, आपको जो लेटर कीबोर्ड है उसे ओपन करना है, लेटर कीबोर्ड ओपन किया मैंने, Q-W-E-R-T-Y, कीबोर्ड, मैं इसीलिए आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेटर कीबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, WA जो कि व्हाट्सएप की शॉर्ट फॉर्म है वो डालनी है, ठीक है, WA, W, W, मैंने W डाल दिया, W, अब यहाँ पे A डालना है आपको, WA, S, A, A डाल दिया मैंने, A, 10.0, A, अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है, https colon slash slash WA, ठीक है, यहाँ तक हमारा बन गया है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ए के बाद आपको फुल स्टॉप का जो साइन होता है जो कि हमें स्पेस के राइट साइड मिलता है, स्पेस है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट करूंगा आगे की ओर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का साइन आपको डालना पड़ेगा,
फुल स्टॉप का साइन आपने डाल दिया। अब क्या करना है आपको, एम ई यानी आपको अपना नंबर डालना है, तो आपको एम ई डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर डालो आप, एम ई इसी तरीके से डालना है आपको। ठीक है, डब्ल्यू ए फुल स्टॉप एम ई। ठीक है, M डालूंगा, M, well, create note, M, M डाल दिया, अब E, E, R, E, E डाल दिया, E, 13, create note, E, ठीक है, अब यहाँ तक क्या बन गया हमारा, आराम से बता देता हूँ मैं, H, T, T, P, S, colon, slash, slash, W, A, full stop, M, E, ठीक है, इतना हमारा जो लिंक है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको जो है क्या करना है, सिंबल्स में दोबारा जाना है और स्लैश एक और बार डाल देना है। Shift, symbol keyboard, showing symbol keyboard, 9, 0, right parenthesis, forward slash. स्लैश आपको डालना है, स्लैश मैं डाल देता हूँ। D, 14, create note, forward slash. अब देखो एडिट बॉक्स में क्या आ गया है। Editing, https, slash, slash, wa.me, slash, window 14, create note. https, slash, slash, wa.me, slash. ठीक है, इस तरीके से हमारा लिंक अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, https://wa.me/, ठीक है, इतना डाल दिया। अब स्लैश के बाद आपको जो है अपना नंबर डालना है। ठीक है, नंबर किस तरीके से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आप पाकिस्तान के किसी नंबर का लिंक बना रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री कोड आपको पहले डालना है, प्लस 92 करके नहीं, या फिर प्लस 91 करके नहीं, सिर्फ 92, ठीक है, 92 डालना है या फिर 91 डालना है, जो भी कंट्री कोड है उसका सिर्फ आगे का डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 मैं अपने नंबर का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 91 डाल दूंगा। 3, 2, 1, 1, ठीक है, अब देखो एडिट बॉक्स में क्या आ गया है, ठीक है, 91। अब आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है बीच में। ठीक है, अब 91 के बाद आपको वो नंबर लिखना है जो आप जिसका लिंक बना रहे हो। ठीक है, अपना नंबर भी डाल सकते हो, अगर कोई इंडिया का नंबर है तो वो भी डाल सकते हो, उसका लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आप पे नंबर डाल देता हूँ अपना, 9 9 6 3 7 7 6 6 6 4 4 4 20 editing। तो मैंने जो है लिंक अपना नंबर डाल दिया है। ठीक है, लिंक बन गया हमारा पूरा, एक बार सुन लीजिए आप, https://wa.me/91965589744। ठीक है, तो ये पूरा लिंक जो है हमारा क्रिएट हो गया है। अब जो है आप इस लिंक को किसी को भी भेज सकते हो और वो जो है आपकी चैट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे इसे कॉपी कर लेते हैं पहले, पहले मैं कीबोर्ड को क्लोज कर देता हूँ, सिलेक्शन को क्लियर सिलेक्ट करूंगा दोबारा, सर्च विंडो अप कॉल कट शोइंग इन विद कॉपी, कॉपी करूंगा, शोइंग रिसेंटली कॉपी योर कैप्चर कंटेंट। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया है। अब जो है मैं क्या करूंगा, ओआई नोटपैड में ही रहते हुए ओवरव्यू स्क्रीन रिकॉर्डर अनलॉक्ड ओआई नोटपैड अनलॉक्ड क्रिएट नोट, देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं टॉकबैक मेनू एक्शंस, एक्शंस आ गया, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम एक्शंस, एक्शंस में जाऊंगा, टॉकबैक मेनू यानी खुल गया, move cursor to paste, starter and selection, cancel, starter and cancel, create note, back, ui notepad, एक बार भरा हूँ यहाँ से, c space, back, system launcher, चलो WhatsApp में चलते हैं, WhatsApp में जाके paste कर देता हूँ, ui notepad में, अभी जो है काफी कई सारे note पड़े हुए हैं, है ना, जो काफी important हैं, इस वजह से, तो मैं अपनी जो है, WhatsApp, WhatsApp, new chat, new chat, WhatsApp, 96255, तो मैं कोई group को open कर लेता हूँ, WhatsApp, new chat, window WhatsApp, WhatsApp, 96. जो मैं अपना जो है message yourself जो है वो open कर लिया है, क्योंकि group में अगर मैं भेजूंगा तो मेरा number चला जाएगा इस वजह से, तो मैं अपनी message yourself में ही आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं paste कर दूंगा उसे, talkback menu, actions, action में जाके paste, https://wa.me/91962558974. ठीक है, जो मैंने लिंक बनाया है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सेंड करूंगा, नेविगेट अप, शेयर ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेंजर, https://wa.me/91962558। ठीक है, ये लिंक आ गया है। अब मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो मैं चैट में पहुंच जाऊंगा। देखो
अब देखो ये क्या होगा, Searching on top, screen recorder on bottom, WhatsApp, message. ठीक है, तो मैं पहुंच गया। अगर जो आपने नंबर डाला है अगर वो जो है WhatsApp पे नहीं है तो वो दिखा देगा कि दिस नंबर इज नॉट ऑन WhatsApp। ठीक है, अगर नंबर WhatsApp पे होगा तो वो डायरेक्ट उसकी चैट पे आपको लेके चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से home, जो है HTTPS, क्रिएट करना है। देखो ये लिंक जो है HTTPS, इस पे मैं क्लिक करूंगा, दोबारा मेरे को चैट में लेके चला जाएगा, क्योंकि मैंने message, अपना ही नंबर डाला है, इस वजह से यहाँ पे लेके आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है लिंक। तो अगली वीडियो में मैं आपको, या फिर उसके अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको टेलीग्राम का लिंक को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से आप WhatsApp की चैट का लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। ठीक है, अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दिया होगा आपने, सभी के साथ शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अगली वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।